हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स, फॉर्म्स एंड मोमेंट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपी टीजीटी के एग्जाम्स में अभी तक के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, उनका डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा, इस क्लास में होगा, जिसमें हम 2005 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स एंड लिटरेरी मोमेंट्स से रिलेटेड। तो सेशन के लिए स्टार्ट हो जाइए आप सभी अपने पेपर पेन के साथ में, और क्वेश्चन का आंसर भी आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, जो कि 2005 टीजीटी के पेपर में पूछा गया है। द हीरोइक कपलेट जनरली इज इन आयम्बिक डायमीटर, इन आयम्बिक ट्राइमेस्टर या आयम्बिक पेंटामीटर या आयम्बिक टेट्रामीटर। बात यहाँ पे हो रही है कि क्वेश्चन है कि हीरोइक कपलेट जो होता है वो जनरली किस फॉर्म में लिखा जाता है, उसका स्टैंजाइक पैटर्न क्या होता है, ये आपको बताना है। 2005 टीजीटी के पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा होगा। हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, आप जल्दी से इसका आंसर भी करिएगा कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हीरोइक कपलेट जो होता है, जिसमें दो लाइन्स जो होती हैं एक दूसरे से राइम्स करती हैं, टू लाइन्स ए ए या बी बी के फॉर्म में ये हो सकती है आपकी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आयम्बिक पेंटामीटर होता है, जिसमें 10 5 आपके यहाँ पे यूज होते हैं, 5 मीटर्स में 10 सिलेबल्स होते हैं, पहला जो होता है अनस्ट्रेस, फॉलोड बाय फिर यहाँ पे आपका स्ट्रेस आता है, ठीक है। ये हमारा स्टैंजा पैटर्न होता है आयम्बिक पेंटामीटर का, और हीरोइक कपलेट जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। मिथ जो वर्ड है ये ग्रीक मिथोस वर्ड से निकल के आया हुआ है, जिसका मतलब होता है, जो सिग्निफाई करता है किसको, इमेजिनेशन को, चिल्ड्रन स्टोरी को, या स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, या आपका है ऑप्शन डी कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट। तो ये आपका कौन सा इसका आंसर सही होगा, तो ऑप्शन सी इसका भी आंसर सही होगा। मिथ जो आप बोलते हैं किसी भी मिथ से रिलेटेड, मीन्स ये एक मिथ है, मीन्स ये एक स्टोरी या एक प्लॉट है, या ट्रू या इन्वेंटेड, ऐसा कोई कथन है, ऐसा कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसके बारे में हम अभी तक उस चीज को फॉलो करते हैं, या उसी के बिहाफ पे हम उसको फॉलो करते हैं, उसको मिथ बोला जाता है, जो कि ग्रीक मिथोस वर्ड से निकल के आया हुआ है। और इसका क्या मतलब हुआ, स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, कोई स्टोरी या प्लॉट हो सकती है जो कि आपका ट्रू हो सकता है, या उसको किसी ने बनाया हो या इन्वेंट किया हो, ऐसी कोई स्टोरी हो सकती है। जैसे हमारा है कि कोई भी हम शुभ काम कब करते हैं, किसी शुभ मुहूर्त में करते हैं, ये एक मिथ है आपका कि शुभ मुहूर्त में शुभ काम करना चाहिए, जैसे ये पुराने टाइम से ही चला आ रहा है और वो चीजें हम अभी तक फॉलो करते हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ अ मिथ। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, पैथेटिक फैलेंसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय, 2005 के पेपर में ये पूछा गया है, और इसका क्या आंसर होगा ये जल्दी से मुझे बता दीजिए आप सभी। ऑप्शन ए शेक्सपियर इन 1591, जॉन रस्किन इन 1856, ओलिवर गोल्डस्मिथ इन 1761, या कार्लाइल इन 1823। तो फ्रेज वर्ड जो था, ये फ्रेज पैथेटिक फैलेंसी, ये किस ईयर में इन्वेंट हुआ या किसने इन्वेंट किया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जॉन रस्किन के थ्रू 1856 में ये इन्वेंट किया गया है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू, 2005 का ही क्वेश्चन है टीजीटी का, आपको बताना है कि जो ये हीरोइक ड्रामा है ये स्पेसिफिकली जो फॉर्म है इसका किस में यूज हुआ है हीरोइक ड्रामा। ऑप्शन ए एंग्लो सैक्सन हीरोइक पीरियड, ऑप्शन बी रोमांटिक पीरियड, ऑप्शन सी रेस्टोरेशन पीरियड, या ऑप्शन डी एलिजाबेथन पीरियड। और इस नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का 2005 के पेपर्स में जो पूछा गया है उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रेस्टोरेशन पीरियड में जो टाइम था जॉन ड्राइडन का हीरोइक ड्रामा, बेन जॉनसन, इन सब टाइम ड्यूरेशन में ये इंपॉर्टेंट जो ड्रामेटिस्ट थे इन्होंने हीरोइक ड्रामा का यूज करा हुआ है। मेनली जो स्पेसिफिक फोकस होता था ये हीरोइक सब्जेक्ट मैटर पे ऐसे ड्रामास लिखे जाते थे, वैल्योर से रिलेटेड लिखे जाते थे, जिसमें एक तरीके का करीजियस जो हीरो होता था उससे रिलेटेड ड्रामास होते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में इन ऑप्शन में कोई एक जो है
नॉवेल वो एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी नॉवेल कौन सा होता है जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। लेटर के फॉर्म में जो नॉवेल लिखे जाते हैं उनको हम एपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। तो आपको आंसर बताना है दैट इज पामेला और वर्चुअल रिवॉर्डेड या बिल ब्लास या ऑप्शन सी द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स या ऑप्शन डी मॉल फ्लैंडर। तो आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए पामेला, जिसको सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है। सैमुअल रिचर्डसन इज द नॉवेलिस्ट जिन्होंने ये नॉवेल लिखा है। और ये नॉवेल किस फॉर्म में लिखा गया है? एपिस्टोलरी नॉवेल इसको रिगार्ड किया जाता है। एक लेडी जो पामेला लेडी है, जो कि वर्चुअस लेडी है, उसके कैरेक्टर को यहाँ पे कैरेक्टराइज करते हुए ये नॉवेल लिखा गया है। क्लियर हुई चीजें अभी तक? नंबर सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीन पे आप सभी के रहा, जो कि 2006 के पेपर में टीजीटी के पूछा गया है। पन इज, अ पन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? पन इज, इट इज ऑपोजिट वर्ड या फनी वर्ड होता है, अ प्ले ऑन वर्ड्स या आइडेंटिकल वर्ड्स। ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ प्ले ऑन वर्ड इज कॉल्ड पन, जो कि आपको बहुत से ड्रामास में ये देखने को मिलेगा। ड्रामास में जो राइटर्स होते हैं वो यूज करते हैं कि किसी ऐसे वर्ड से, ऐसे तरीके से वो उसको प्रेजेंट करते हैं जैसे लगता है उससे एक तरीके का खेल रहे हो या एक तरीके का ये यूज करते हैं उस तरीके के वर्ड्स को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन, वर्ड्स लिब्रा इज, वर्ड्स लिब्रा इज ये क्या है? 2006 में पूछा गया है ये। कोलोफन, क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म या राइम्ड फॉर्म। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा होगा, ओपन फॉर्म होता है। वर्ड्स लिब्रा जो बोलते हैं इसको, वर्ड्स लिब्रा दैट इज कॉल्ड ओपन फॉर्म। जैसे वर्ड्स जो आपका होता है अनराइम्ड चीजें होती हैं, कपलेट्स होते हैं, लाइंस होती हैं, उसको हम वर्ड्स लिब्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओपन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर एट जो कि स्क्रीन पे है, द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन इज। डिकंस्ट्रक्शन एक मूवमेंट था, आपको बताना है इसके ओरिजिनेटर का नेम क्या था? जैक्स डेरिडा, मार्टिन हेजगे, सिगमंड फ्रॉयड या फ्रेडरिक नीचे। हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन थियरी, डिकंस्ट्रक्शन मूवमेंट, दैट इज ऑप्शन ए, जैक्स डेरिडा। वी हैव द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जैक्स डेरिडा है। 2006 में ये पेपर में पूछा गया है टीजीटी के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सेशन को हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। 2021 तक के जो अभी लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब का डिस्कशन होगा। इसके पहले के पेपर्स में भी जो भी पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए बहुत डिले नहीं करते हैं हम। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ। ऑप्शन ए पेट्रार्क, ऑप्शन बी शेले, ऑप्शन सी टाटा, ऑप्शन डी पेंडायर। जो रेगुलर ओड्स हैं वो किसका क्लोज इमिटेशन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, जिसको हम पिंडारिक ओड के नेम से जानते हैं। पिंडारिक, देखिए तीन तरीके के होते हैं ओड, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड एंड साथ ही साथ इररेगुलर ओड, जिसको हम मॉडर्न एड बोलते हैं, मॉडर्न ओड भी या मॉडर्न ओड, ठीक है। ये हमारा होता है तीन तरीके के ओड, ठीक है। तो जो आपका आएगा, जो रेगुलर ओड्स होते हैं वो क्लोज इमिटेशन किसके हैं? पिंडायर के, पिंडारिक ओड जिनको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 10, नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम। नोवेला जो वर्ड है जिससे नॉवेल बना हुआ है, आपको उसका बताना है कि ये कौन सा फॉर्म है वर्ड का, कि मीन्स किस लैंग्वेज से ये नोवेला वर्ड जो है वो मिलता है। ऑप्शन ए इंडियन लैंग्वेज, फ्रेंच, इटैली या नन ऑफ दी अबव। और इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, इटैली वर्ड। दिस इज ऑप्शन सी, इटैलियन वर्ड। ओके, नोवेला इज अ इटैलियन वर्ड, दिस इज फ्रॉम दी वर्ड इटैली। नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन, पोएटिक जस्टिस वॉज अ टर्म क्वाइंड बाई। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया है टीजीटी में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको बताना है कि जो पोलिटिक जस्टिस जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया हुआ है, सैमुअल जॉनसन, जेफरी लीच, जॉन ड्राइडन या थॉमस राइमर। और बहुत इजी आंसर है इसका, आपने बहुत बारी प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ा होगा, बहुत बारी आपने बुक में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन सी हमारा, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, थॉमस राइमर। ओके, थॉमस राइमर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11 जो कि स्क्रीन पे है आप सभी के। नंबर 12 क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, इनफॉर्मल एसेज इज ऑल्सो नोन एज। देखिए एसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म ऑफ पोएट्री की बात कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ जो लिटरेचर है उसकी भी बात करेंगे, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मोमेंट्स में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा है इनफॉर्मल एसेज जो अदर नेम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है फनी एसेज बोलते हैं, फेमिलियर एसेज बोलते हैं, स्कॉलरली एसेज बोलते हैं या इम्पर्सनल एसेज बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरली एसेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इनफॉर्मल एसेज इज ऑल्सो नोन एज स्कॉलरली एसेज। ओके, नेक्स्ट नंबर 13 क्वेश्चन है, एपिक इज अ लिटरेरी टर्म हमारा आया है यहाँ पे, क्वेश्चन लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है। एपिक क्या है, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ बैचल, या ऑप्शन बी इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, ऑप्शन सी अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन डी भी यहाँ पे अ ड्रामेटिक मोनोलॉग दे दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक लॉन्ग पोयम होती है जो कि किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे लिखी जाती है। ऑप्शन बी अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम ऑन अ सब्जेक्ट, सीरियस सब्जेक्ट मैटर, दैट इज कॉल्ड एपिक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 13 के बाद 14 क्वेश्चन है, एक्ट इज अ मेजर डिविजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, चैप्टर ऑफ अ प्ले या एक्टिंग बाय एक्टर्स। तो एक्ट क्या होता है इसका बताइए आप, एक्ट किस में पढ़ते हो, स्पेसिफिकली ड्रामा में पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा लिटरेरी टर्म्स यहाँ पे फॉर्म से आ चुका है ये क्वेश्चन, एक्ट जिसमें हम बात करते हैं, कभी प्लॉट भी आपसे पूछ सकता है, कभी आपसे सेटिंग पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो एक्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा जिसमें हम बोलते हैं अ मेजर डिविजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। एक्ट बेसिकली जो था वो ट्रेडिशनल अगर वे की बात करें तो 5 एक्ट्स में प्लेज को डिवाइड किया जाता था, ठीक है, ये था। लेकिन मॉडर्न टाइम में आपके 2 एक्ट में भी बनते हैं, 3 एक्ट में भी प्लेज लिखे जाते हैं, बट ये होता है डिवीजन होता है जो कि स्टोरी होती है, प्लॉट होती है, उसका और एक्शन का डिवीजन स्पेसिफिकली बोलते हैं, उसको हम एक्ट बोलते हैं। और एक्ट में क्या होता है, सीन्स इंक्लूडेड होते हैं, फर्स्ट सीन, सेकेंड सीन, थर्ड सीन, फोर्थ सीन, फिफ्थ सीन एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे हो सकते हैं आपके। तो एक्ट का जो मतलब होता है वो डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन, दी सोनेट इज पोयम ऑफ, 2009 TGT के पेपर में पूछा गया है। सोनेट क्या होता है, इजी क्वेश्चन है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, तो इसके डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे। क्या है, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, 14 लाइंस की पोयम होती है सोनेट। ओके, सोनेट इज अ पोयम ऑफ दी 14 लाइंस। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 14 लाइंस की पोयम्स लिखी जाती है सोनेट्स का, ग्रेट सोनेटियर शेक्सपियर, जॉन मिल्टन ने भी सोनेट्स लिखे हुए हैं। तो ऐसे सोनेट्स जो कि 14 लाइन में, ऐसी पोएम जो कि 14 लाइंस में लिखी जाती है वो हमारे सोनेट्स कहलाते हैं। और सोनेट्स में हमारे पास जैसे पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, स्पेंसेरियन सोनेट्स हैं, तो ऐसे कैटेगराइज किया गया है सोनेट्स को। नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन, एलेजी बिगैन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज, एलेजी बिगैन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि एलेजी को ऐसे एलेजी पोएम क्यों बोला जाता है। ऑप्शन ए इट वॉज रिटन इन एलेजाइक मेजर, ऑप्शन बी इट वॉज अ पोएम ऑफ सोरो, ऑप्शन सी है इट वॉज रिटन बाय राइटर्स ऑफ एलेजीज, ऑप्शन डी सम एक्सपर्ट क्रिटिक्स नेम्ड इट सो। तो कौन सा एलेजी का जो होगा कि एलेजी पोएम क्यों बुलाई जाती है इसे पोएम को, तो वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो पोएम्स होती हैं ये सोरो पे बेस्ड ऑन होती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, इट वॉज अ पोएम ऑफ सोरो। एलेजी पोएम के एग्जाम्पल की बात करें, लिसीडास वी हैव द फाइन एग्जाम्पल। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो अदर पोएम्स है जैसे एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, एडोनिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स जो कि एलेजी में लिखी गई है, मींस किसी अपने लव्ड वन के लॉस पे लिखी गई पोएम्स होती हैं, उनको हम एलेजी पोएम बोलते हैं, और पोएम ऑफ सोरो इसको बोला जाता है। दुख
प्रकट करते हुए जो पोएम्स लिखी जाती हैं, एक्सप्रेस करते हुए जो पोएम लिखी जाती हैं। 17 क्वेश्चन, द नॉवेल इज अ, देखिए जो अभी तक के क्वेश्चंस आपने देखा होगा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, जो अभी 2009 तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। तो नॉवेल क्या है? इट इज वन ऑफ द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, ऑप्शन बी वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, ऑप्शन सी वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका ए, यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जो नॉवेल आएगा। नॉवेल क्या होता है? इट इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। नॉवेल स्पेसिफिकली जो आपका हुआ है वो विक्टोरियन एरा की बात करें, रोमांटिक एरा से भी स्टार्ट हुआ, मीन्स बहुत ज्यादा ये बहुत पुराना फॉर्म ऑफ राइटिंग नहीं है जो नॉवेल्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे पोइट्रीज या एक डिडैक्टिक पोइट्रीज, एक रिलीजियस पोइट्रीज लिखी जाती थी, ड्रामास भी लिखे जाते थे। और नॉवेल की बात करेंगे तो ये लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है। ओके, नेक्स्ट नंबर, नंबर 18 क्वेश्चन, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? अ शॉर्ट प्ले, अ नॉवेल, अ पोयम, या प्रोज स्टोरी, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? इन चारों में ड्रामेटिक मोनोलॉग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो हमारा होगा, इट इज अ पोयम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। बहुत ही फेमस पोएट हैं विक्टोरियन एरा के, जिनको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट के नेम से जाना जाता है इनको इंग्लिश लिटरेचर में। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग, जो कि एक सीरियस इमिटेशन होता है किसी एक्शन का, सीरियस होता है और कंप्लीट होता है, ये एक डेफिनेशन भी है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो ये डेफिनेशन भी है, आपको इसका आंसर बताना है। दिस इज अ पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड अ कॉमेडी, अ ट्रेजिक कॉमेडी, अ ट्रेजिडी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड ट्रेजिडी। और किसने ये डेफिनेशन दिया है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हैज गिवन दिस डेफिनेशन अबाउट ट्रेजिडी, कि ट्रेजिडी ये एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कि सीरियस इमिटेशन ऑफ एन एक्शन होता है, किसी एक्शन का इमिटेट किया जाता है और वो सीरियस और कंप्लीट होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, अलूजन इज, अलूजन की बात हो रही है, क्या है? सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, अ सिनोनिम ऑफ पोएट्री, ऑप्शन सी एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और बिना डिले किए हुए नंबर सी पे हम क्वेश्चन पे टिक करेंगे, ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अलूजन इज अ इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और artistic word, that is called allusion, okay? 21 we have the question, a ballad is, ballad क्या होता है? It is a short epic, या option B है, a short song, a song sung by ballad dancer, option C it is a folk song or orally transmitted dealing with popular story, option D है it is a short novel। देखिए यहाँ पे जो correct answer होगा, जो ballad होता है, जैसे आपने ballad क्या poems सुनी है, आपने La Belle Dame Sans Merci, एंसियंट मैरिनर, ये इंपॉर्टेंट बैलेड पोएम्स हैं, और आपको इसका जो करेक्ट आंसर करना होगा वो ऑप्शन सी पे हम टेक करेंगे, क्योंकि ये एक फोक सॉन्ग होता है जो कि एक देसी तरीके का जो सॉन्ग्स होते हैं, ओरली ट्रांसमिट किए जाते हैं, ये ओरली एक्सप्रेस किए जाते हैं, पॉपुलर स्टोरी, किसी पॉपुलर स्टोरी, जो बैलेड किसी हीरो की, किसी वैल्योर करेजियस हीरो की स्टोरी को डिपिक्ट करते हुए या एक्सप्रेस करते हुए वो जो फोक सॉन्ग गाए जाते हैं उनको हम बैलेड बोलते हैं, और ये बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री है। अगला क्वेश्चन है नंबर 22, डेनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू, डेनाउंसमेंट किससे रिलेट करता है? इट इज एसे, एंड एसे मींस डेनाउंसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ जो आपका होता है, जो स्टोरी जिसमें आप क्या देखते हो, जैसे आपका ये होता है कि जिसमें वो कंक्लूजन होता है, उसमें साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन होता है, तो आपको बताना है कि इट इज अ रिलेटेड टू एसे, डेनाउंसमेंट एसे में आता है, लिरिक पोएट्रीज में होती है, प्ले में होती है, या एलेजी में होती है, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो वो हमारा ऑप्शन सी होगा। डेनाउंसमेंट किससे रिलेट करता है? प्ले से रिलेट करता है, चाहे वो कॉमिक प्लेस होते हैं, चाहे वो ट्रेजिक प्लेस होते हैं, जहां पे एक तरीके की जो समाप्ति की तरफ जो चीजें होती हैं प्लेस में, तो वो हम डेनाउंसमेंट उसको बोलते हैं। आपका इसमें आता है क्या, इसमें आपका क्लाइमेक्स आता है, एंटी क्लाइमेक्स आता है, एक बिगिनिंग आती है,
और रेजोल्यूशन आता है और डिनाउनमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दी प्ले. ओके, तो ऑप्शन सी को करेक्ट हम करेंगे. 23rd क्वेश्चन है, एंड एकोलॉग इज, एकोलॉग क्या होता है? बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, थोड़े से आपके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में मैं इसको रिगार्ड करूंगी. एकोलॉग क्या बोलते हैं? लॉन्ग पोएम होती है, पेस्टोरल पोएम्स होती हैं, शॉर्ट पोएम्स होती हैं या शॉर्ट डायलॉग होती है. इकोलॉग अगर आता है तो आप ऑप्शन बी, मीन्स जहां पे भी आपका पेस्टोरल होगा जिस भी ऑप्शन में उस पे आप टिक करोगे. ये पोएम्स जो होती हैं पेस्टोरल पोएम्स, इनको इकोलॉग भी बोला जाता है, इकोलॉग पोएम्स बोलते हैं. तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज रिलेटेड टू दी पेस्टोरल पोएम्स. ओके, सो हियर वी हैव द नंबर क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 2010 टीजीटी के पेपर में पूछा गया है. क्वेश्चन है, टू यूज अनदर पर्सन थॉट वंस ओन इज कॉल्ड, मीन्स किसी दूसरे के थॉट को अपना, उसको यूज करके उसको अपना बोलना, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, पैंथेइज्म, पैरोडी या सिलोगिज्म. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वी हैव द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन. किसी दूसरे की चीजों को जब हम यूज करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है, तो वहां पे उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं, मतलब इसको साहित्य की चोरी बोलते हैं. ये चीजें कहलाती हैं, उस इंसान को प्लेजरिस्ट बोलते हैं. तो ये किसके लिए स्पेशली जाता है? चौसर के लिए ये स्पेशली बोला जाता है कि चौसर ने दूसरों की चीजों को कहीं ना कहीं से यूज करा हुआ है, उनकी चीजों को, और उसको अपना बोला है. तो ये प्लेजरिस्ट बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, वो चौसर को बोला जाता है. नंबर 25 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, अ सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोवेल और पैथेटिक अचीव्स, द लिडिकुलस इज बेस्ट एक्सप्रेस बाय द टर्म. ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सा पढ़ने वाला क्वेश्चन है, फिर आप इसको समझोगे. तो इसको क्या, एक सडन रेडिकुलस जो डिसेंट होता है फ्रॉम द एक्सॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस या ऑर्डिनरी प्लेस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉमिक रिलीफ बोलते हैं, बैथॉस बोलते हैं, मेलोड्रामा या पैराडॉक्स. तो ऑप्शन बी उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड बैथॉस. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन क्वाइंड बाई, ये क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, 2010 टीजीटी के पेपर में पूछा गया है. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है, फ्रेज है, इसको किसने क्वाइन करा हुआ है, मींस किसने इसको खोज निकाला हुआ है? एज़रा पाउंड, वॉल्ट विटमैन, टीएस इलियट, आईए रिचर्ड्स. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म वाज क्वाइन बाय टीएस इलियट, द ग्रेट मॉडर्न पोएट एंड क्रिटिक. टीएस इलियट ने इसको, थॉमस टर्न इलियट ने इसको निकाला था, खोजा था इस फ्रेज को, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, दिस लाइन हैव बीन रिटन इन, किस फॉर्म में इस लाइन को लिखा है और इसके साथ साथ किसने लिखा है ये भी बताइएगा मुझे. तो ये लाइन बहुत ही फेमस लाइन है, ओपनिंग लाइन है पोयम की, लेट अस गो देन यू एंड आई, ये लाइन जो है ओपनिंग लाइन्स हैं. तो आप बताइए ये जो लाइन्स लिखी गई है या ये पोयम लिखा गया है, ये अनराइम्ड वर्ड्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, एम्बिक मीटर में लिखा गया है या फ्री वर्ड्स में लिखा गया है? ये किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है ऑप्शन डी, फ्री वर्ड्स में, मीन्स बिना किसी स्टेंजाइक पैटर्न को फॉलो करते हुए फ्री वर्ड्स में ये पोयम लिखी गई है. और ये पोयम कौन सी है, किसकी है? टी एस इलियट की पोयम है. कौन सी पोयम है? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड क्रॉफर्ड, ये है पोयम का नेम, जे अल्फ्रेड क्रॉफर्ड. ओके, दिस इज द पोयम जहां से ये लाइन ली गई है. और ये पोयम किसमें लिखा गया है? फ्री वर्ड्स में ये पोयम पूरी लिखी गई है. और इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो है, लेट अस गो यू एंड आई. नेक्स्ट वन क्वेश्चन 28, फिर से अल्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, जो कि हमने अभी डिस्कस करा था 2006 के पेपर में, और फिर से ये हमारा 2010 के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. और इसका करेक्ट आंसर आप सभी ने जो दिया होगा वो ऑप्शन सी दिया है. अल्यूजन मीन्स एन इनडायरेक्ट एंड पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क. नेक्स्ट नंबर 29 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कैथर्सिस, कैथर्सिस किससे रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, इट इज रिलेटेड टू कॉमेडी
एंड इज रिलेटेड टू सोनिटरिंग या इज रिलेटेड टू फेयर्स। तो इसका जो कैथेसिस की बात करते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए मीन्स दिस टर्म इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी, जो कि एरिस्टोटल के एग्जाम्पल, एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी में दिया गया है, कैथेसिस होता है। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो कि ट्रेजिक वर्क लिखते हुए या ट्रेजिक जो ड्रामा होते हैं उसका यूज होता है, नगोनोरिसिस होता है, पेरिपीटिया होता है, कैथेसिस है, ऐसे टर्म्स जिसे हमने अभी डिनाउनमेंट की बात की थी वहां पे, तो उसी से सेम से ऐसे रिलेट करता है ये, और ये ट्रेजिडी से रिलेट करता है कैथेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोरस। कोरस क्या होता है, ये 2010 में पूछा गया है। इट इज अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंग्स, इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, इज अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, या इज अ ग्रुप ऑफ डीजे डांसर्स। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोरस क्या होता है, मीन्स आप जानते हो कि सिंगर से रिलेटेड जो ग्रुप में चीजें गाई जाती हैं, गाना कोई गाया जाता है, सॉन्ग गाया जाता है, तो उसको हम कोरस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप ऑफ अ सिंगर इन ड्रामा, स्पेसिफिकली कोरस का यूज जो होता है वो ड्रामा में होता है, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं जो किसी प्ले को इंट्रोड्यूस करते हैं या बताते हैं कि इस प्ले में क्या क्या होने वाला है, कोई फ्रेज या कोई सॉन्ग ऐसा उससे रिलेट करता हुआ, उसकी स्टोरी से रिलेट करता हुआ उसमें जब इंक्लूड किया जाता है किसी ड्रामा में, तो वो जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं उनको कोरस बोला जाता है। 31 क्वेश्चन है, कॉमिक रिलीफ एम्प्लाइज, कॉमिक रिलीफ क्या एम्प्लाई करता है, इसका कनेक्शन किससे होता है। द इंटरवल इन द प्ले और फिल्म, अ हिलेरियस कॉमेडी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, या द इफेक्ट ऑफ कैथर्सिस। व्हाट इज कॉमिक रिलीफ, क्या है ऑप्शन सी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में जब बहुत सीरियस इंसिडेंट्स होते रहते हैं या सीरियस जो आपकी जो इवेंट्स हैं या स्टोरीज है वो सीरियस वे में चलती रहती है, तो वहां पे एक तरीके का बहुत ही शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें इंक्लूड किया जाता है, वो भी किसी फनी कैरेक्टर के थ्रू, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो कि ऑडियंस के अंदर एक तरीके से ह्यूमर क्रिएट करती है, उनको एक लाफ्टर प्रोवाइड करती है, एक रिलीफ प्रोवाइड करती है, उसी को हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। एंड स्पेसिफिकली ये किस कब होता है, किसी भी ट्रेजिक प्ले में होता है जब सीरियस इंसिडेंट्स उसमें चलते रहते हैं, उसमें होते रहते हैं, सो दैट की जो ऑडियंस होती है वो बहुत बोर्ड फील ना करें सीरियस जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं या स्टोरीज के थ्रू, तो वहां पे उनको एक ह्यूमरस एपिसोड या एक शॉर्ट ह्यूमर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसी टाइम पे, तो उसको हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। 32 क्वेश्चन है, मॉरेलिटी प्लेज वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं एग्जाम में। जो मॉरेलिटी प्लेज होते हैं वो कब इंट्रोड्यूस प्रोड्यूस हुए हैं, वो ऑप्शन ए मीन्स 15th एंड 16th सेंचुरी में, जो कि टाइम ड्यूरेशन था, अगर हम एलिजाबेथन एरा की बात करते हैं तो उससे थोड़ा सा मेडिवल जो ड्रामा था, मेडिवल ड्रामा की बात करते हैं, मॉरेलिटी एंड मिरेकल एंड आपका जो प्ले है वो इसी टाइम ड्यूरेशन में लिखे गए हैं जो मेडिवल ड्रामा में जाने जाते हैं, तो उसमें मॉरेलिटी प्लेस जो थे वो 15th एंड 16th सेंचुरी में प्रोड्यूस हुए थे। नंबर 33 क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग्स टू द फ्लेसली स्कूल ऑफ पोएट्री। फ्लेसली स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन सा पोएट इसमें से बिलोंग करता है, आपको उसका आंसर देना है। एडमंड स्पेंसर, जॉन कीट्स, टीएस इलियट या डीजी रॉस्टी। तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, डीजी रॉस्टी इज द करेक्ट आंसर। डीजी रॉस्टी कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे आपके जो कि था आपका प्री रेफलाइट। प्री रेफलाइट मूवमेंट से ये बिलोंग करते थे और ये फ्लेसली स्कूल ऑफ पोएट्री एक इनका कैरेक्टरिस्टिक था जब ये पोएट्रीज लिखते थे, मीन्स वहां पे मेडिवल जो आर्ट एंड लिटरेचर था उसको भी ये इम्प्लीमेंट करते थे अपनी पोएट्री में। प्री रेफलाइट जो प्री रेफेल के बिफोर का जो टाइम था उस तरीके के आर्ट एंड लिटरेचर को बहुत ज्यादा ये पसंद करते थे, और डीजी रॉस्टी जो थे वो पोएट इसी से बिलोंग करते हैं, इसी स्कूल ऑफ पोएट्री से, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेंबर है प्री रेफलाइट मूवमेंट के। क्रिस्टीना रॉस्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द प्री रेफलाइट मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 34, ब्यूकोलिक रिफर्स टू, ब्यूकोलिक क्या बोला जाता है, अभी हमने इकोलॉग की बात की थी और उसी से मिलता जुलता ये हमारा है। ब्यूकोलिक रेफर्स टू द पोएट्स हु रोट इन प्रेज ऑफ वाइन, द पोएट्स हु रोट पास्टोरल पोएट्री, द पोएट हु इमिटेटेड पोएव
या ऑप्शन डी है द पोएट हु इमिटेटेड वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, वो पोएट्स जो पेस्टोरल पोएट्रीज लिखा करते थे उनको हम बुकोलिक बोलते हैं। बुकोलिक रेफर्स टू दी पोएट्स हु रोट पेस्टोरल पोएट्री। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 35 है, एन अलेक्जेंड्रिन इज अ वर्स लाइन इन। अलेक्जेंड्रिन जो है वो कौन सी वर्स लाइन है, मीन्स उसमें कितने आपके सिलेबल्स होते हैं। एन आयम्बिक हेक्सामीटर, एन आयम्बिक पेंटामीटर, एन डैक्टिलिक टेट्रामीटर या टॉर्साइक हेक्सामीटर। तो क्या होता है, आपको इसका आंसर बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसकी हम बात करते हैं, वो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आयम्बिक हेक्सामीटर बोला जाता है, अलेक्जेंड्रिन जो वर्ड्स लाइंस होती हैं उनको हम आयम्बिक हेक्सामीटर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें आपके 12 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका होता है एक लाइन में आपके इन अ लाइन 12 सिलेबल्स का यूज होता है, इसी को हम अलेक्जेंड्रिन बोलते हैं। और स्पेसिफिकली स्पेंसेरियन स्टेंजा की जो लास्ट लाइन होती थी वो अम्बेक अलेक्जेंड्रिन बोली जाती थी। और यहाँ पे ये तरीके का, और इसके साथ ही साथ स्काईलार्क जो पोएम है टू स्काईलार्क पीबी शैली की, वो भी आपके अलेक्जेंड्रिन में लिखी गई है। एक लाइन में आपके 12 सिलेबल्स होते हैं। हेक्सा का मतलब यहाँ पे 6 के आगे, मीन 6 इसमें से ए वन अनलिस्टेड 6 सिलेबल्स, मीटर जो होता है 6 मीटर्स होंगे जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 36 क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस एस्थेटिक मींस। टीजीडी 2013 का क्वेश्चन है, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, सोरो ब्यूटी डिस्पेयर या प्लेजर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्यूटी से रिलेट करता है, एस्थेटिक मोमेंट से रिलेटेड जो हम करते हैं, वॉल्टर पेटर का नेम जानते हैं उसी से रिलेट करता है ये। और एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता से रिलेट करता है ये। नेक्स्ट नंबर 37, कंप्लीट द सेंटेंस द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, आपको इसको बताना है ये किससे रिलेट करता है। ये ट्रेजिक हीरो मीन्स ट्रेजिडी से तो रिलेटेड है, लेकिन उसके रिवर्सल फॉर्च्यून को, जो उसके फॉर्च्यून में जो चेंजेस होते हैं फ्रॉम गुड टू बैड, उसको क्या बोलते हैं, कैथर्सिस बोलते हैं, एपेस्टिल बोलते हैं, पेरिपीचिया बोलते हैं या पॉइजीज। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैथर्सिस की बात हमने की थी ना अभी लास्ट को, आपके क्वेश्चंस थे व्हाट इज कैथर्सिस, किस में यूज होता है कैथर्सिस, वो ट्रेजेडी में यूज होता है। और उसका मतलब क्या होता है, द रिवर्सल ऑफ अ फॉर्च्यून ऑफ अ गुड ऑफ अ ट्रेजिक हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। अच्छे से बुरे के वक्त जो उसका रिवर्सल होता है उसके फॉर्च्यून में किसी हीरो का, ट्रेजिक हीरो का, उसको हम कैथर्सिस बोलते हैं। अगला है 38 क्वेश्चन, व्हाट इज यूफोनिम। यूफोनिमिक का मतलब क्या है, इसको बताना है, प्लीजेंट साउंड, सीरियस साउंड, बेटर साउंड या मिक्स साउंड। यूफोनिज्म से आप इसको समझ सकते हो, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा, जो कि प्लीजेंट साउंड से रिलेट करता है। यूफोनी बोलते हैं जो कि सुनने में प्लीजेंट लगता है, वो बोला जाता है यूफोनी। नेक्स्ट नंबर 39 क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस। देखिए अभी क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था कि पोएटिक जस्टिस को किसने इन्वेंट करा हुआ है, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसका आंसर आप सभी जानते हो, ऑप्शन डी है, थॉमस राइमर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 39 के बाद 40 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे रहिए, 40 क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट इज सोलिलोक्वी। ऑप्शन ए, एन एक्टर सीक्रेट थॉट्स अटर्ड अलाउड। ऑप्शन बी है सीक्रेट स्पीच। ऑप्शन सी, एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय ऑडियंस। ऑप्शन डी, एन एक्टर स्पीच मीन्ड फॉर दी अदर मीन्ड फॉर अदर कैरेक्टर्स आल्सो। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा सोलिलोक्वी का, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हमारा होगा। सोलिलोक्वी क्या होता है, एक सीक्रेट जो एक्टर अपनी सीक्रेट थॉट होते हैं जब उसको तेजी से बोलता है, लेकिन सोलिलोक्वी में ये होता है कि उसको कोई दूसरा जो कैरेक्टर होता है प्ले का वो उसको नहीं सुनता है, बट ऑडियंस इसको सुन सकती है। तो ये क्या है, सीक्रेट थॉट। और सोलिलोक्वी में स्पेसिफिकली वो बताता है आगे का उसका जो डिलेमा होता है उसको डिस्कस करता है, उसको वो एक्सप्रेस करता है। इसके साथ ही साथ वो आगे की अपनी चीजों को बताता है कि जो आगे मैं करने या क्या वाला हूँ या क्या होने वाला है, इसे एक आइडिया पता लगता है जो ऑडियंस होती है उसको। और स्पेसिफिकली आप सभी
हैमलेट की सॉरी लिखी, टू बी और नॉट टू बी से बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, कि जिया जाए कि मरा जाए ये बात की थी हैमलेट ने सॉरी लिखी में, अपने उस सॉरी लिखी में, और बहुत सी सॉरी लिखी का यूज हुआ है हैमलेट प्ले में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 वी हैव ऑन द स्क्रीन। 41 क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा, इस आंसर का नोबल इन एक्शन, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वॉल्टिंग एम्बिशन या none of the above, which one is the correct answer of the question। और इस question का answer option A है, noble inaction means बहुत वो delay करता है अपने जो एक उसका revenge होता है वो लेने में, तो यहाँ पे हम इस question को correct मानेंगे। Tragic flaw in Hamlet is called noble inaction, okay? Next number question, a lyric is, find out the correct option। Lyric क्या होता है उसका correct option आपको बताना है। A long poem written in a form of address, a poem written in a praise of God, option C, a short poem in which the poet expresses his or her intense feelings, personal feelings, या a trimmed song, what is that called? Lyric जो poems होती हैं उनको हम बोलते हैं option C, short poems होती हैं जो कि जिसमें poet जो express करता है अपनी intense feelings को lines के through express करता है, बहुत ही personal पोएम्स होती हैं ये लिरिक पोएम्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो लिरिक पोएम्स वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक एरा के मैक्सिमम पोएट्स ने ये किया हुआ है, इस तरीके की पोएट्रीज लिखे हुई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे 43 क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस, सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। Simplicity, sweet music and melody जो है वो किसका remarkable feature है अगर हम बात करें उसकी, option A है epic की, या option B ballad, option C ode, या option D है satire, which one is the correct answer? तो इसके question का answer की बात करेंगे, that is यहाँ पे option बी हमारा होगा, दैट इज कॉल्ड बैलेड, जो कि सिंपल पोएम्स होती हैं और स्पेसिफिकली ये आपके म्यूजिक इसमें होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड ऑन होती हैं और साथ ही साथ मेलोडी भी होता है और एक सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करते हुए एक स्टोरी के फॉर्म में ये पोएम्स होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 44 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लेकिन फिर 2000 ये आपका 13 में फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, पोएटिक बैंक्रप्सी उसमें पूछा गया था कि किससे रिलेट करता है ये, उसको क्या बोलते हैं जो किसी और के वर्क को अपना समझता है और उसको अपना नेम दे देता है, बट यूज करता है किसी और का वर्क बट उसे अपना नेम दे देता है। और यहाँ पे है प्लेजरिज्म का मीनिंग पूछा जा रहा है, पोएटिक बैंक्रप्सी या आपका है पोएटिक राइटिंग क्राइसिस, लिटरेरी थेफ्ट या आपका है ऑप्शन डी रीडिंग प्रॉब्लम। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्लेजरिज्म की बात करते हैं तो हम उसको लिटरेरी थेफ्ट बोलते हैं, कि साहित्यिक चोरी जिसको बोला जाता है, कि किसी के वर्क को यूज करना अपने वर्क में और उसे अपना बोल देना, वो हमारा होता है प्लेजरिज्म। और प्लेजरिस्ट जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम कि प्लेजरिस्ट बोलते हैं उस पोएट को जिसने, उस ऑथर को जिसने वैसा काम किया होता है। अगला क्वेश्चन 45 है, सोनेट कंसिस्ट, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीट हुआ है, सोनेट कंसिस्ट ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 14 लाइंस सोनेट में होती हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करेंगे। 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, कॉम्यूज इज, कॉम्यूज किसका वर्क है इसको पहले डिस्कस करते हैं, जॉन मिल्टन का, ठीक है, जॉन मिल्टन का ये वर्क है। इसका क्या मतलब होता है, इस कॉम्यूज इज व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज कॉम्यूज, इट इज अ मास, इट इज अ पेस्टोरल एलिगरी, इट इज अ पोएटिक लाइन या इट इज अ फेयर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इट इज अ मास दैट वॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन, ओके, कॉम्यूज इज अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। 47 क्वेश्चन है, वॉट इज असाइड, 47 क्वेश्चन का आप सभी आंसर करिए। अभी हमने किसकी बात की थी, सॉलिलोक्वी की बात की थी, अब देखिये फिर से एक ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आ गया है, लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एसाइड क्या होता है, इट इज एन एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, कोई दूसरा एक्टर जो है जो परफॉर्मेंस हो रही है वो नहीं सुन सकता है, उसको एसाइड बोलते हैं, जो कि एड्रेस करके होता है।
या सेकंड है एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर, दूसरे एक्टर्स जो होते हैं जो हैं परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो सुन सकते हैं, ऐसा एड्रेस होता है, साइड बोलते हैं। लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स, किसी कोई बोल रहा हो उसको पीछे से देखना, या होता है नॉट पेइंग अटेंशन, बिना किसी अटेंशन के बोलना कि मतलब कोई बात चल रही है और उस पर बिल्कुल अटेंशन न देना, उस पर ध्यान न देना। तो इसका क्या होता है आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन ए। असाइड क्या बोलते हैं, नॉट सपोज टू हियर, मतलब चुपके से, जैसे हम बोलते हैं ना कोई, कभी हमारे सामने भी डेली कन्वर्सेशन में ऐसा होता है कोई बात कर रहा होता है और कोई अपना अपनी बहुत सी चीजें ऐसे बता रहा होता है या बोलता है, तो हम साइड में अपने मन में ही थोड़ा सा मतलब बोलते हैं, वो मुंह से आवाज निकलती है बट वो क्या होता है वो दूसरे को समझ में नहीं आती है, सुनाई नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं, असाइड बोलते हैं। एड्रेस इन अ वर्ड दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, ऐसा सपोज किया जाता है कि दूसरा जो एक्टर है वो उसको सुन नहीं सकता है, तो शायद उसको सुन भी वो सकता है, ठीक है। तो ये सपोजिंग है कि मतलब ऐसा सोचा जाता है कि दूसरा एक्टर जो है वो सुन नहीं रहा, या जो सामने वाला बंदा, जब मैं असाइड या अपनी वर्ड्स को एड्रेस करके बोल रहा हूँ तो सामने वाला मेरी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा सपोज करते हैं, ठीक है, उसको असाइड बोलते हैं। 48 क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। कंप्लीट द सेंटेंस डर्ज मीन्स, डर्ज का क्या मतलब होता है, सॉन्ग ऑफ वेडिंग है, सॉन्ग ऑफ प्लीजर, सॉन्ग ऑफ ग्रीफ या सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर, विच वन इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसकी हम बात करेंगे। दिस इज रिलेटेड टू सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, मतलब एक तरीके से डर्ज जो पोएम सेलेजीज से ही आपका मैचअप करता है, तो सॉन्ग ऑफ ग्रीफ इज रिलेटेड टू डर्ज, ओके। 49 क्वेश्चन का आंसर करिए। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिलूड, द प्रिलूड विच इज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ W.W. विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, आपको बताना है कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, 12 मींस कितनी बुक्स में ये डिवाइडेड है, एक तरफ से ये है क्वेश्चन हमारा। प्रिलूड जो वर्क है वो 12 बुक्स में डिवाइडेड है, 13 बुक्स में, 14 या 11 बुक्स में, इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रिलूड जो वर्क है वो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वर्ड्सवर्थ का, और 14 बुक्स में इसको हम डिवाइड किया है वर्ड्सवर्थ ने, 1850 में ये पब्लिश हुआ है ये इनका वर्क, ओके। 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, 50 क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे वो 2013 के पेपर में है TGT के, और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन जो है वो मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोरल द मोर हेज द लेस स्पीड, ठीक है, द मोर हेज हेज द लेस स्पीड, ये हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा, सिमली है, मेटाफर है, आयरनी है या एपिग्राम, Which one is the correct answer? तो इसका जो answer है option D पे जाएगा, option D हमारा correct answer है, that is epigram, जिसको हम देखिए वैसे इस question में जो है इसका वैसे जो correct answer होना चाहिए वो किसी option में यहाँ पे हमारा paradox होना चाहिए, ठीक है, paradox इसका वैसे correct answer होगा, figure of speech की अगर हम बात करेंगे, the more he has the less speed, इसका फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स होगा कि पैराडॉक्स में जो किसी ट्रुथ के बारे में बात होती है बट वो जो होती है वो कॉन्ट्राडिक्शन के फॉर्म में होती है, किसी कथन को आप उल्टा करो लेकिन सही बात उसमें बोली जाती है, वो सेंटेंस को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में पैराडॉक्स मेंशन नहीं है, इसलिए इसका जो आयोग है आपका उसने जो करेक्ट आंसर किया है वो एपिग्राम किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर नहीं, तो ये सबको इक्वली नंबर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल मार्क्स इसमें मिलेंगे, तो ये आपका आएगा जो फिगर ऑफ स्पीच, ये पैराडॉक्स होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है, एपिग्राम है, क्योंकि पैराडॉक्स मेंशन नहीं है, तो इसलिए कोई सा भी आप इस पे करेक्ट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 51 क्वेश्चन 2011 का है। 7 लाइन स्टेंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोएट इज नोन एज, दैट इज टर्जा रेमा, राइम रॉयल, स्टर्लर राइम या आपका होता है टेट्रामीटर, विच वन इज द आंसर। 7 लाइन का इस जो स्टेंजा फॉर्म है वो मेडिवल पोएट के थ्रू यूज करा गया है, मेडिवल पोएट का मतलब यहाँ पे हमारा हो गया वो चौसर से रिलेट करता हुआ हुआ, और चौसर का जो यूज करा है उसको इन्वेंट किया है वो है हमारा ऑप्शन बी राइम रॉयल, ठीक है, जिसको हम चौसरियन स्टेंजा के नेम से भी बोलते हैं। अगर चौसरियन स्टेंजा आता है तो उसका भी मतलब यही है, 7 लाइन का स्टेंजा है, तो यहाँ पे स्टेंजा और राइम रॉयल, ठीक है,
ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 52 क्वेश्चन का आंसर करिए। एलिजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ फिक्शन, पोएम्स, एसेज, बायोग्राफी। बिना डाउट के ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एलिजीज और सोनेट्स जो होते हैं दैट आर द फॉर्म ऑफ द पोएट्री, पोएम्स के फॉर्म्स हैं, पोएट्री के फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का आंसर करिए। इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स, लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू का जो रेफरेंस है 2011 में पूछा गया है वो किसको रेफर करता है। ऑप्शन ए है होम द कैरेक्टर, हु द मेन कैरेक्टर इज, ऑप्शन बी हु इज द टेलिंग स्टोरी, ऑप्शन बी द ऑब्स्टिकल द मेन कैरेक्टर ओवरकम, ऑप्शन डी व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक प्लेस। और इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑब्स्टिकल द मेन कैरेक्टर ओवरकम, पॉइंट ऑफ व्यू इसको बोला जाता है। और इसमें भी थोड़ा सा डाउट आई थिंक लग रहा है, हु इज टेलिंग द स्टोरी ये होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 54 है। इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडियाज, आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड। फिक्शन में मीन्स किसी नॉवेल फिक्शनल वर्क्स में जो ऑथर का मेन आइडिया होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका मैसेज होता है उसको क्या बोला जाता है, प्लॉट, सेटिंग, थीम या कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि थीम के थ्रू वो बताता है कि किस किस थीम को मैंने इस पोएम में या इस वर्क में, फिक्शनल वर्क में इन्वॉल्व किया हुआ है, और वो थीम के थ्रू अपनी मैसेज एक देना चाहता है कि ये किससे रिलेट करता है ये वर्क। ओके, 55 क्वेश्चन का आंसर करिए। अ स्टोरी दैट एंड्स विद हैप्पी रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, फेयर, सटायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि वैसे पोएम्स, वैसे वर्क्स या स्टोरी जिसमें एक हैप्पी रेजोल्यूशन होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, और उसमें क्या जो मेन कैरेक्टर्स उसको फेस करते हुए हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्शन फेस करने के बाद हैप्पी एंडिंग किसी वर्क की होती है, किसी स्टोरी को, तो उसको हम हैप्पी एंडिंग बोलते हैं। 56 क्वेश्चन का आंसर करिए। अ पोएम कंसिस्ट ऑफ फोर लाइन्स और फोर लाइन्स ऑफ ए पोएम That can be considered as an unit. किसी poem में अगर चार lines होती है या कोई एक stanza है उसमें चार line होगी तो उस poem को हम क्या बोलते हैं, उस stanza को हम क्या बोलते हैं, उस unit को क्या बोला जाएगा। Option A couplet बोला जाएगा, option B haiku, या option C है quatrain, या option D है lyric। तो इसका जो answer है वो quatrain है, lyric नहीं होगा, ये हमारा option C correct answer होगा। ठीक है, quatrain, क्वाट्रेन का मतलब होता है जो कि फोर लाइन की स्टैंजा होती है। वैसे थ्री लाइन को क्या बोलते हैं, थ्री लाइन स्टैंजा को, इसको क्वाट्रेन बोलेंगे, थ्री लाइन स्टैंजा को बोलेंगे हम टर्सेट। ठीक है, टर्सेट। कॉपलेट टू लाइंस को बोलते हैं, टू लाइन स्टैंजा को कॉपलेट बोलते हैं, इसको कॉपलेट। तो ये कुछ जो यूनिट्स होते हैं स्टैंजास के या लाइंस के, जो यूनिट बोले जाते हैं उनको हम इस नेम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 57 क्वेश्चन है। अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन सिली फॉरफेस सिचुएशन दैट इज कॉल्ड फेबल, पैराबल, फेयर्स या सेंटिमेंटल कॉमेडीज। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, वो कॉमेडी जिसमें किसी रिडिकुलस और स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है किसी सिली फॉरफेस सिचुएशंस के लिए, तो उसको हम फेयर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है 58 क्वेश्चन। द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, प्लेस और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। किसी ऐसी लैंग्वेज का जब हम यूज करते हैं जो हमारे माइंड में एक पिक्चर या कॉन्क्रीट जो सेंसेशन होता है किसी पर्सन, थिंग या प्लेस और एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उसका पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट करता है, तो वो लैंग्वेज को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए सिंबल, इमेजरी, एफोरिज्म या सिमली। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी आंसर है, क्योंकि उसको हम इमेजरी बोलते हैं इस तरीके के, और इसको एक तरीके का हम फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच ये हमारा काउंट होता है। 59 क्वेश्चन है। ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफन सोर्स कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एसाइड,
एनेक्डोट पर्सोनिफिकेशन इंटीरियर मोनोलॉग क्या है, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, शोइंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअलिटी इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेथ इज कॉल्ड, सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेथ इज कॉल्ड सटायर एपिक ओड एलेजी, और वो है हमारा ऑप्शन डी एलेजी, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर, ऑक्टेव इज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, देखिए किसी स्टैंजा में आप किसी उसमें देखते हो, जैसे आपका शेक्सपियरियन स्टैंजा है, ए बी ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एन जी जी करके इसका लाइन का आपका सीक्वेंस होता है, और उसी तरीके से ये एक स्टैंजा फॉर्म है जिसको हम पेट्रार्कन स्टैंजा फॉर्म बोलते हैं। तो ऑक्टेव इन इज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती हैं, 8 लाइन्स होती हैं, 6 लाइन्स होती हैं, आपकी 4 लाइन्स होती हैं या 10 लाइन्स होती हैं, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 8 लाइन्स। ओके, सेस्टेट बोलते हैं, ऑक्टेव में 8 लाइन्स होंगी और सेस्टेट बोला जाता है जिसमें 6 लाइन्स होती हैं। ठीक है, ये सेस्टेट को 6 लाइन्स एंड ऑक्टेव को 8 लाइन्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑक्टेव में क्या होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। ठीक है, जो पोएट होता है, सोनेटियर होता है, प्रॉब्लम रिलेट करता है, और उसके बाद सेस्टेट में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर 62 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट कैरेक्टराइज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट, 2011 का क्वेश्चन है टीजीटी का, कौन सा वो फ्रेज है जो कि लेट 19 एस्थेटिक मूवमेंट को कैरेक्टराइज करता है, मींस उसका एक तरीके से आप स्लोगन है, आप उसको बताओगे, आर्ट फॉर गॉड शेक, आर्ट फॉर आर्ट शेक, आर्ट फॉर इंटेलेक्ट शेक या आर्ट फॉर द मैसेज। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आर्ट फॉर आर्ट शेक, दैट इज द टैग लाइन हम जिसको बोल सकते हैं, ये टैग लाइन है किसका, एस्थेटिक मूवमेंट का, सॉरी टैग लाइन इज ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। ओके, वाल्टर पेटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स, ट्रॉपी एंटीस्ट्रॉपी इपोड फॉर्म अ थ्री पार्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ग्रीक कोरस, ऑप्शन बी क्लासिक कोड, मेडिवल बैलेड या पेट्रार्कन सोनेट। तो इसको बोला जाता है ग्रीक क्लासिक कोड। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इसको बोलते हैं क्लासिक कोड जिसको हम होरेशियन ओड बोलते हैं। ठीक है, होरेशियन ओड। 64 क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ फॉर प्रोज एपिग्राम इज, अल्टरनेटिव नेम जो है वो प्रोज एपिग्राम के लिए उसको क्या बोलते हैं, एफोरिज्म, एपिग्रामिस्पो, एपोथिगम या एपिप्रोसो नियम, विच वन इज दैट, और एफोरिज्म इज द करेक्ट आंसर। एपिग्राम जो एक एफोरिस्टिक या ब्रीफ स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्रीफ बट विटी, ब्रीफ बट विटी, जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम, दैट इज कॉल्ड एपिग्राम या एफोरिज्म। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65, वी हैव द पेट्रार्कन सोनेट का आपको राइम स्कीम बताना है, कौन सा है इसमें करेक्ट बताइए जल्दी से, जिसमें हम 8 लाइंस प्लस 6 लाइंस में डिवाइड होती है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था ऑक्टेव एंड सेस्टेट में जो डिवाइड होता है पेट्रार्कन सोनेट, उसका राइमिंग स्कीम क्या है, और उसका जो राइमिंग स्कीम है वो है हमारा ऑप्शन सी, ए बी बी ए, ए बी बी ए सी डी ई सी डी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो पहली लाइन होगी वो फोर्थ लाइन से, सेकंड लाइन थर्ड लाइन से, इसी तरीके से दूसरे स्टैंडर्ड में भी चलेगा, पहली फोर्थ लाइन से, सेकंड थर्ड लाइन से, फिर हमारा जो आएगा सेस्टेट का जो आता है वो सी डी ई होती है, और वो सी जो लाइन पहला लाइन होता है वो दूसरे स्टैंजा की जो लास्ट की सिक्स स्टेट की लाइन्स होती हैं उसकी पहले लाइन से, उसकी दूसरी लाइन उसके दूसरी लाइन से दूसरे स्टैंजा की, और इसकी तीसरी लाइन उसके तीसरी लाइन दूसरे स्टैंजा से, वो हमारा होता है। और पेट्रार्कन सोनेट इसी फॉर्म में लिखा जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में। ठीक है, 66 क्वेश्चन आप सभी को है, अफेक्चुअल ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एग्जामिनिंग Examining all available information and text relevant to the subject is called,
बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एलेजी, मेमोयर, विच वन इज दैट? दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. किसी पर्सन की लाइफ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसके इन्फॉर्मेशन और टेक्स्ट रिलेवेंट जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बायोग्राफी करते हैं. बायोग्राफी कोई और ऑथर उससे रिलेटेड, किसी और ऑथर की लाइफ से रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लिखता है, उसकी लाइफ पे वो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ वो अपनी चीजों को वो इन्वॉल्व करता है उसकी लाइफ से रिलेटेड अपने वर्क में, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव इट इज कैन नेवर बी कनेक्टेड मेमोयर डील्स विद. इसका करेक्ट जल्दी से आंसर ही हम करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जो नहीं कनेक्ट करता है वो ऑप्शन ए है, जो कि ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग नहीं करेक्ट है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव नहीं होती है और ये जो स्टोरीज होती है वो कभी कनेक्ट नहीं होती है. ये गलत है क्योंकि इसकी ऑटोबायोग्राफी नरेशन में नहीं होता है और इसकी जो स्टोरीज होती है वो कनेक्टेड होती है. ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो बाकी सभी इसमें से करेक्ट है और बस ये ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग ये करेक्ट नहीं है. अगला है 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द टर्म नॉवेल रेफर्स. नॉवेल से रेफर करता हुआ जो टर्म है वो कौन सा नहीं है आपको बताना है. ये 21 के क्वेश्चन है. आई थिंक प्रोज फिक्शन, अ प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट, अ ट्रीटीज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम्स, अ लिटरेरी फॉर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नोवेला. कौन सा ट्रू नहीं है नॉवेल के रेफरेंस में, द टर्म नॉवेल के रेफरेंस में? तो ऑप्शन सी होगा, ये जो है ये सोशल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करता है, ऐसा ये करेक्ट है. ठीक है, क्योंकि इट ट्रीट्स ऑन सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स इस पे नहीं डिस्कस होता है, ऐसा नॉवेल होता है क्योंकि इसमें दिया है सोशल प्रॉब्लम्स रिलेट करता है तो वो नॉवेल नहीं है. बाकी ये प्रोज फिक्शन होता है, कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स इस पे इन्वॉल्व होते हैं और ये इटालियन वर्ड नॉवेला से डिराइव किया गया है नॉवेल. ओके, नंबर 69 क्वेश्चन, अ सेवन लाइन एम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा राइमिंग ए बी ए बी बी सी सी इज कॉल्ड. इसके बारे में हमने बात की थी और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी राइम रॉयल होगा, जिसको हम चौसरियन स्टैंजा के नेम से भी जानते हैं. और इसमें सेवन लाइन में एक लाइन में सेवन लाइन एक स्टैंजा में होते हैं, इन अ स्टैंजा. ओके, 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लोजेड ड्रामा. क्लोजेड ड्रामा के बारे में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है उसको बताना है. तो इसके जल्दी से आंसर की तरफ ही चलते हैं. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, क्लोजेड ड्रामा जो होते हैं वो इंटेंडेड टू बी रेड रादर देन टू बी स्टेज इन अ थिएटर. जनरली आप जितने भी ड्रामास पढ़ोगे वो आपके जो होते हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, बट क्लोजेड ड्रामा जो होता है वो हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड ना होकर के उसको सिर्फ रीडिंग के लिए, उसको सिर्फ पढ़ने के लिए किया जाता है. सैमसन अगेनेस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव ऑफ जॉन मिल्टन एगोनिस्ट. ओके, जो जॉन मिल्टन का क्लोजेड ड्रामा है. 71 है, गोथिक नॉवेल डिनोट. गोथिक नॉवेल क्या डिनोट करता है इसका आंसर आपको बताना है. और इसमें है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन द मिडिल एजेस ऑफन सफिस विद ग्लूमी काशिल. ये हमारा डिनोट करता है गोथिक नॉवेल्स है, जिसमें एक मेडिवल सेटिंग्स होती हैं, मिडिल एज की सेटिंग होगी और ऐसा कोई एटमोसफियर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है वहां पे उस जगह पे, जो कि एक भयानक कैशल होता है, राजमहल किसी ऐसे पृष्ठभूमि पे इस तरीके के नॉवेल्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं. 72, एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएड्स यूज्ड टू एक्सेप्ट द थीसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट, सिंपली एंटरटेन इज कॉल्ड. शॉर्ट कॉम्पोजिशन प्रोज में होती है, जो कि किसी डिस्कस करते हैं किसी सब्जेक्ट को, किसी मैटर को डिस्कस करते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू इस पे उनका एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको ओड ऐसे बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है. तो वो हमारा ऑप्शन बी होगा, वो हमारा होता है ऐसे. ठीक है, क्योंकि बायोग्राफी आप सभी जानते हो क्या होता है, किसी और की लाइफ के बारे में जब कोई अदर ऑथर लिखता है उसको बायोग्राफी बोलते हैं. ऑटोबायोग्राफी जब अपनी खुद की लाइफ के बारे में अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को इंक्लूड करता है अपने वर्क में कोई ऑथर, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. ओड हमारा एक तरीके की पोएट्री का फॉर्म है, तो इसमें ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन प्रोज की बात हो रही है तो वो हमारा ऑप्शन बी इसे आएगा. ओके, 73 क्वेश्चन है, सम स्टेटमेंट्स हैव गिवन हियर
फ्रॉड ट्रेजेडी, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ट्रेजेडी से रिलेट करता हुआ. ये 2021 के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, सीजीटी में. तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ये हमारा 2 और 3 मींस ट्रेजिक फ्यूरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड टेरर. द हमार्शिया बिकम द रीजन ऑफ हिज डिवाइस मींस एक ट्रेजिक फ्लॉ, जो हमार्शिया ट्रेजिक फ्लॉ होता है उसके कैरेक्टर में, उसके डिमाइज का मींस उसके पतन का वो कारण बनता है. और जो ट्रेजिक हीरो होता है वो पेरिपिटिया के थ्रू हमारे अंदर जो होता है वो पिटी एंड टेरर जो होता है वो इवोक करता है. 74 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग कौन से करेक्ट आंसर है आपको बताना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. और लास्ट ईयर 2021 में बहुत से क्वेश्चंस आपके लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स एंड मोमेंट्स से रिलेटेड पूछे गए थे. और ये सभी क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि 2021 के पेपर में टीजीटी के पूछे गए हैं, और वो सभी आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हैं. तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग करेक्ट है. ये फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज फर्स्ट मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग द कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन रिटन इन 4th century. द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी जिसकी बात करते हैं हम, तो दैट वॉज द सेंट अगस्टाइन्स कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन्स, जो कि 4th century में ये लिखा गया है. ये करेक्ट है, बाकी के नहीं करेक्ट हैं. क्योंकि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, इट इज रिटन बाई ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ द फेलो ऑथर, बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि ऐसा ऑटोबायोग्राफी नहीं, ये बायोग्राफिकल वर्क होते हैं. तो इसी तरीके से ऑप्शन सी को हम करेक्ट मानेंगे. 75 क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड. बैलेड जो एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है, विच वन इज द नॉट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड. इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद अ म्यूजिक एंड अकंपनीमेंट. इट यूजली डील्स विद अ सिंगल एपिसोड. इट इज स्टोरी, द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन. इट इज कॉमिक इन नेचर. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल भी बैलेट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं बैठता है, कॉमिक नहीं होता है बैलेट जो पोएम्स लिखी जाती हैं. और बाकी के तीनों सही हैं आपके, कि ये स्टोरी होती है, म्यूजिक इसमें अकम्पनीमेंट होता है, म्यूजिक के फॉर्म में साथ में ये गाया जाता है, ये स्टोरी बताई जाती है. सिंगल एपिसोड्स होता है, मतलब किसी हीरो के या किसी करेजियस इंसिडेंट का एक सिंगल एपिसोड पूरा बताया जाता है. और डायलॉग्स एंड एक्शन के वे में ये स्टोरी जो होती है वो मूव ऑन करती है. 76 क्वेश्चन, अ स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद अ डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन एज. डबल मीनिंग जो कोई स्टोरी या वर्स प्रोज में होती है, लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सटायर, एलिगरी, फेबल, आयरनी. तो उसका ऑप्शन बी एलिगरी होगा. एलिगरी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे. 77 है, द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेशा हैज इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लिटरेचर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट ईयर पूछा गया है ये. तो ये रेनेशा का इम्पैक्ट अगर हम फुली मानते हैं तो वो फुल इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर पे कब पड़ा है? तो वो हमारा 16th century में पड़ा है. तो ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर को टिक करेंगे, ठीक है. ऑप्शन डी जहाँ पे एलिजाबेथन एरा में नॉस्टी बिट्स के राइटर, साथ ही साथ शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बहुत से ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इस टाइम पे कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है अपनी इंग्लिश लिटरेचर में. अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंसिस्ट. क्या है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा. एक इमेजिनरी स्पीकर होता है जो कि इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है, ऐसा ड्रामेटिक मोनोलॉग पोयम होता है जिसमें ये चीजें होती हैं. इमेजिनेटिव कैरेक्टर, इमेजिनरी या एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि इमेजिनरी ऑडियंस से, काल्पनिक ऑडियंस से बात करता है. 79 क्वेश्चन, फेबल इज अ फेबल जिसको बोला जाता है एपोलॉग, प्रोवर्ब्स, एग्जाम्पलम या पैराबल. तो इसका ऑप्शन ए होगा, फेबल इज कॉल. आज की इस क्लास में यहाँ पे डिस्कस करा है आप सभी से 81 क्वेश्चंस जो कि आपके टीजीटी 2005 से 221 तक पूछे गए हैं क्वेश्चंस ये थे. और ये फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड हैं. तो ये सेशन जरूर आप सभी से शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को, इस क्लास को. और अब आगे हम, अभी तक हमने किसके बारे में बात की? अभी हमने जॉन मिल्टन से रिलेटेड बात कर ली है. जॉन मिल्टन से रिलेटेड जो भी टीजीटी के पेपर्स में लास्ट ईयर के पूछे गए हैं क्वेश्चंस उसको हमने डिस्कस कर लिया है. उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वीडियो का, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा उसको क्लिक करके. इसके साथ ही साथ ये बात कर ली हमने टर्म्स एंड फॉर्म्स एंड मोमेंट्स से रिलेटेड. आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, जो क्वेश्चंस अभी तक के आपके पूछे गए हैं टीजीटी के पेपर में, तो उससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा.
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बींग विद मी ऑन दिस चैनल एंग्लेट ज़ोन.